कोलारस से आ रही खबरों के मुताबिक कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रानौद कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष जय किशन केवट उर्फ चौखर मल को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदिवासी मांझी न होने के आधार पर मांझी को पद से पृथक करने का आदेश जारी विगत कुछ माह पूर्व किए गए थे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को जय किशन द्वारा डबल बेंच में अपील की गई, जिसका आदेश 11 दिसंबर को सुनाते हुए हाईकोर्ट ग्वालियर की डबल बेंच के द्वारा जय किशन केवट को मांझी आदिवासी मानते हुए पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए जय किशन उर्फ चौखर मल केवट को रानौद मंडी अध्यक्ष बने रहने का रास्ता हाईकोर्ट ग्वालियर की डबल बेंच से साफ हो गया है। डबल बेंच के आदेश के बाद जय किशन उर्फ चौखर मल केवट मांझी ने कहा कि हाईकोर्ट की डबल बेंच से मुझे एवं समाज के अन्य लोगों को राहत मिली है। खंडपीठ ग्वालियर से प्रथम कोर्ट से मेरा मंडी कृषि मंडी का इलेक्शन सुन कर दिया गया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर। उसके संदर्भ में हमने डबल ब्रांच हाई कोर्ट में खंडपीठ में पिटीशन दायर की और आज वहाँ से हमको इस प्रकरण पर स्टे मिला है और हम स्टे का न्यायालय का सम्मान करते हैं जो डबल ब्रांच से हमको स्टे दिया है। हमको पूर्ण भरोसा था आज हमको जो स्टे दिया है पीछे जो भी समय में जो मेरे विरुद्ध शून्य घोषित किया गया था उस समय से ही मेरे को पुख्ता भरोसा था कि डबल ब्रांच में जो मेरा प्रकरण जाएगा उसमें मेरे को स्टे मिलेगा और आज भी स्टे मिला। मैं रानौद मंडी अध्यक्ष के रूप में आगे भी किसानों की सेवा करता रहूंगा। हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश की कॉपी मेरे द्वारा मंडी बोर्ड एवं प्रशासनिक अधिकारियों को देने के साथ मंडी अध्यक्ष का कामकाज भी बुधवार को संभालेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ व्यूज 360.com खबरें अलग अंदाज में।